हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं उठा था बैंक के लिए, तो मैं नीचे आया था नाश्ता लेने, तो कुछ ऐसा मंजर मुझे नज़र आया, बहुत मज़ेदार एक। दैट्स वाई वी लव क्वेटा। इधर तक आँख जा रही है, बड़ा एक दिलकश एक मज़ेदार सा व्यू आ रहा है। ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी उसमें वो क्या बोलते हैं मिकदार में बर्फ़ पड़ चुकी है क्वेटा में। बहुत एक मज़ेदार मौसम हो रहा है क्वेटा वालों, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। यहाँ से हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। घूमें कहीं, जाएं तो देखें कहीं वो साइड एरियाज में ना कुछ ज़्यादा ही स्नोफॉल हुई हुई है, सो हम वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। देखो रुकी मगर हो रही है, देखो ये वाली सा हो रहा है मौसम। तुमने लेट उठे हो ना, तुम लोग लेट इसलिए उठे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, अभी तो फिर भी स्लो हो गई है। वो देखो फिर वो वाले पहाड़ देखो। तो मैं थोड़ा सा दीदार दूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पहाड़। ये तो अभी छत का व्यू आ रहा है, मगर जब हम जाएंगे बाहर कहीं तो वो एक अलग व्यू आएगा, वो एक अलग वो आएगा। सो पहली बार लाइव स्नोफॉल देखी, कैसा लग रहा है? इतनी ज्यादा नहीं हुई अभी, होगी होगी ना। अब तो बेटा तू यही है, तेरे को इतनी ठंड लग रही है। अभी जब हम आगे जाएंगे, आगे बहुत सारी बर्फ है और लाइव बर्फ तेज हो रही है और वहाँ पर बहुत सारी पड़ी है, ठंड लग रही है ना। तो हम लोग ना थोड़ी देर बाद ना तैयार श्यार होके निकलते हैं, घर वालों को उठाते हैं कि भाई चलो बर्फ हो रही है चलो। जैसे कि तैयारी हो चुकी है हमारी बर्फ जाने की, यहाँ पर तो मौसम ऐसा बदला जैसे लड़कियां नहीं बदल जाती फौरन ही। हम जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर एक अलग ही व्यू है, एक अलग ही नजारा है। भाई के साथ तो गाड़ी में व्लॉगिंग नहीं हो सकेगी, अभी जगह पे पहुंच के बताते हैं। तो यहां से बहुत दूर गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे। तो ये जैसे कि हम लोग दाखिल हो चुके हैं कहाँ, लाइव स्नोफॉल दिखाने के लिए। हम लोग स्पिनकारेस की तरफ, जो कि क्वेटा से मेरे ख्याल से 30 से 35 मिनट का रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बर्फ, बहुत प्यारा वेदर, सब कुछ दिखाएंगे। आगे का और प्यारा मंजर है। ठंड अभी तक तो फील नहीं हो रही, इतनी ठंड नहीं है अभी तक। बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है बर्फ इस टाइम यहाँ पर, ये देख सकते हैं। ये मेरे पीछे का भी मंजर आप लोगों को सब नजर आ रहा होगा। यहाँ पर हम लोग हो रहे हैं इख्तिताम पजीर यहाँ से, क्योंकि आगे जाने का फायदा नहीं है, यहाँ पर इतना प्यारा मौसम चल रहा है। हमने सोचा यहीं पर इंजॉय करते हैं अपने आगे की। ओए यहाँ पर स्लिप हो रहा है, बिल्कुल ख्याल से आना। अच्छा क्वेटा व्हाइट हुआ है इस टाइम, बस हैप्पी फील हो रहा है पहली बार लाइव स्नोफॉल देख के कराची वाली। मेरे को तो ठंड लग रही है। ठंड तो बर्फ में क्या, मैं तुम्हारे लिए गर्मी। कैसा फील हो रहा है यारा? ये बनाते हैं हम अपने साल का पहला गोला, जो के मारने वाले हैं हम इसका। 8 फुट तक बर्फ यहाँ पर मौजूद है। शुक्र है मैं टोपी पहन आया था यार, टोपी मुझ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मगर फिर भी मैं पहन के आ गया। क्यों पहन के आया था? क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर बहुत ठंड होने वाली है, आगे आगे ठंड बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। लॉग में लगा हूँ, मैडम को पिक्चर्स लेनी है। तो ठंड नहीं लग रही आज, तो आज इसको ठंड नहीं लगनी, आज इसकी बहुत सारी ना ख्वाहिशें एक साथ ही पूरी होगी। कराची में ऐसी बर्फ होती है? हाँ फिर कहती है कराची में ऐसी बर्फ होती है? कराची में ऐसी, कराची वालों बताओ ऐसी बर्फ होती है? टोपी उतार दी क्योंकि मेरा फैशन हुआ खराब हो रहा था, टोपी में ना मैं बहुत बुरा लग रहा था बहुत ज्यादा। काकू को तो क्या को ठंड लग रही है, काकू आपको ठंड लग रही है? ये देखो छोटी सी डॉल है, देखो चाचू को। ओ भज गई, ओए शादी की, हाथ पकड़ो चलो। अच्छी यार, इरादा तो था हमारा और भी आगे जाने को, मगर जितना आगे और भी ज्यादा बर्फ है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो और भी ज्यादा बर्फ है, मगर ये हो जाएगा कि यहाँ का जो हमारा फन है ना वो खराब हो जाएगा। ये कह रही है मेरे को बर्फ खानी है, मैं कह रहा हूँ मैं स्लिप बच गया। देखो मैं भी खा रहा हूँ, ये देखो ये मैंने उठाई। हाँ तो उठा के दो फिर साफ जगह से। मजेदार है ना, इसकी ऊंचाई है जरा, हम चढ़ के पहले मैं चढ़ के चेक करता हूँ, अगर तुम चढ़ पाई तो तुम भी चढ़ ले। तो बड़ा खतरनाक है ये, मैं कामयाब हो गया, दुनिया नीचे आज मैं ऊपर,
आसमान नीचे। अबे यार यहाँ पर बहुत प्यारा वो है, आला व्यू आ रहा है यहाँ पर। ठंड में मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, ये वाला काम आप लोग ठंड में नहीं करना कभी भी। ये रहा मेरा पूरा वजूद। हमने ना मतलब सही में ना मजा आया। चलेंगे चलेंगे नहीं जाना भाई, स्लोमो बनाने हो। देखो कैमरामैन खड़ा किया है इस मैडम को बनाने स्लोमो। मैंने पत्थर उठा के मारना है इसको, अभी पत्थर ढूंढ के दो काकू मुझे पत्थर। सो गाइज हो चुका है मगरिब का वक्त और यहाँ पर होने वाला है अंधेरा। सो अंधेरे से पहले हम निकलने की कोशिश करते हैं। बहुत मजा आया लिटरली गाइज, बहुत प्यारा व्यू था। मैं शाम का आप लोगों को एक व्यू देता हूँ। चारों तरफ नजर जा रही है वहां पर लाइफ। हम जब से आए तब से लाइफ स्नोफॉल हो रही है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही, तब से लगातार हो रही है। गाइस देखिएगा मैंने आप लोगों को इतनी प्यारा प्यारा स्नोफॉल सब कुछ दिखाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, बाकी अभी व्लॉग यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अभी रास्ता है, घर है। यार शुक्र है बर्फ थी मगर इतनी ठंड नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, इतनी ठंड नहीं थी। इनकी फोटो सेशन नहीं खत्म हो रही मैडम की, इनकी खत्म नहीं होने वाली फोटो सेशन। चल लो भाई कल फिर बर्फ होनी है, आ जाओ। कराची वाले है ना, कराची वाले बर्फ देख के पागल हो जाते हैं, ये लोग फ्रिज में भी बर्फ देख के पागल हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम तो इंशाल्लाह मिलते हैं। मजा आया, कितना मजा आया। हाँ यहाँ पर कुत्ते भी हैं, थोड़ा ऊपर से चलो। अरे उठ जाओ गीले हो जाओगे, गाड़ी में बैठना है पागलो। तो गाइस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह गाड़ी में। भाई बहुत गुस्सा कर रहा है, कह रहा है बहुत लेट हो चुका है क्योंकि हम बच्चे भी हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको बहुत ठंड लग रही है। सो बाकी बातें घर में जाके करते हैं। मजा आया, कितना मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया भाई। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह भाई। ये हमारी गाड़ी भी फुल बर्फ बर्फ हो चुकी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आप खैरियत से हैं? आप इधर ही के? ये यहीं के हैं। कैसा यहाँ पर हो, कल भी थी बर्फ? अच्छा इनको भाई को उर्दू नहीं आती, उर्दू नहीं आती, तो कल भी हुई थी इधर बर्फ कल? अच्छा फारसी, फारसी मुझे नहीं आती, बस चितौरी खुबी जानतू जोरी बस खत्म। रवाना हो चुके हैं हम लोग वापस से, कहाँ घर की तरफ। स्नोफॉल जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रही, स्नोफॉल बिल्कुल A1 स्टार्ट है। सो फिर मिलते हैं थोड़ा घर आगे क्योंकि बहुत बहुत ठंड, ये चेक कर सकते हैं मेरे हाथ मुझे फील नहीं हो रहा। आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से अपने कमरे में। यार वो कमरे में वो सीन ऐसा हुआ था कि मेरे मोबाइल की भी बैटरी डाउन, फिजा के मोबाइल की भी बैटरी डाउन, दोनों के मोबाइल की बैटरी डाउन होगी, इसलिए घर आया थोड़ा चार्ज किया। तो ये आज का था स्नोफॉल का व्लॉग जो कि पूरा हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, मुझे देख के आप लोगों को भी मजा आया होगा भले। सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ। कल भी शायद शायद हम स्नोफॉल इंजॉय करें। यस कल ज्यादा खुश नहीं हूँ मैं, कल दोस्तों के साथ जाऊंगा। आज ले गया ना, कल मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। अच्छा चुप। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई स्नोफॉल के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी मानिल्ला, लव यू। सब्सक्राइब कर देना भाई, बेल आइकन भी हो, याद है वो बेल आइकन जो दबाती, बेल आइकन भी दबा दियो। अल्लाह हाफिज।